हेलो दोस्तों, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। साइड बादल काले काले हो रहे हैं, साइड धूप है। और बाहर जो लगा है मेरा गुड़हल का पेड़, उस पे बहुत सारी भर भर के कलियाँ आ रही हैं। तो अभी मैंने जब इसकी कटाई छटाई की थी, तो वो वीडियो मैंने अभी शेयर नहीं करा। जब मैं इसको काटने छाटने जा रही थी तो देखा कि इस पे बहुत सारी कलियाँ हैं, और ये एकदम से फ्लावरिंग पे आता है। और ऐसा नहीं है कि ग्राउंड में लगा है तो कुछ देख रेख नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल करनी पड़ती है। मिली वक्त से बचाना पड़ता है और फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। टाइम टू टाइम इसकी भी केयर करनी पड़ती है। देखो इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, कितनी सारी कलियाँ हैं। अब फूल तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि सुबह तब तक मैं आती हूँ, तब तक तो यहाँ पे साफ़ हो जाते हैं। तो कलियाँ ही दिखा दूँ, कलियाँ ही कितनी बड़ी है, क्योंकि फूल बहुत अच्छे बड़े साइज़ का खिलता है इस पे। और मैंने इसके बावजूद भी मैंने इसकी काफ़ी प्रूनिंग की है, काफ़ी देखिए कट कर दिया है यहाँ से यहाँ से, और बंदरों ने भी तोड़ डाली है दो डंडियाँ आज। चलिए, वो भी अपना काम करते रहते हैं, पर हम भी कम बेशरम नहीं है, हम भी करते रहते हैं। अभी लगभग मुझे लग रहा है 10-12 फूल कल सुबह खिलेंगे इस पे। तो अब बात करेंगे हम आगे गेंदे की कटिंग लगाने की। आइए अब देख लेते हैं अपना पुराना वीडियो। देखिए, पहले मैंने कटिंग लगाई थी, लगभग 10-15 दिन हो गए, और उनको मैंने शिफ्ट भी कर दिया। करीब 20 दिन पहले का ये वीडियो है। तो ये कटिंग रेनी सीजन में जो गेंदे हमारे आसपास उगाते हैं, जो सीड से बीज गिर जाते हैं, फिर उन पर फ्लावरिंग नहीं होती और वो यूं ही बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम क्या होता है कि हम उन्हें परेशान होकर हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं। मैं भी पहले ऐसे करती थी, तो मैंने सोचा उखाड़ने से पहले क्यों ना इनकी कटिंग लगाई जाए। तो मेरा एक दो बार का एक्सपीरियंस रहा, उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। पर अगर आप उन गेंदों को लगे रहने देंगे तो वो फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, उनसे कटिंग लेनी है। चाहे वो गेंदी हो, गेंदा हो, कोई भी वैरायटी का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गेंदे की मैं बाहर से भी लाई थी, एक जगह से वहाँ मुझे मिल गए थे, उन्होंने उखाड़ के फेंके काफ़ी सारे गेंदे। तो मैंने इनको, जैसे मंदिर में पास में मंदिर है, तो मैं वहाँ से ये ले आई काफ़ी सारी कटिंग उनसे। तो मेरे पास तो 2-3 ही पौधे थे, ज़्यादा नहीं थे। उन 2-3 से मैंने काफ़ी सारी कटिंग तैयार करी हैं, और इन सब पे फ्लावरिंग होगी। जैसे ही मौसम अपना थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाएगा, इन पे सब पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। देखिए कितनी बड़ी कटिंग तैयार हो गई है। और ये कटिंग सिर्फ और सिर्फ मैंने सैंड में लगाई, एक बास्केट में कपड़ा बिछा रखा है, और इसमें मैंने सैंड, सिर्फ सैंड को लगा रखा है। सैंड में ही गुलदावरी है, सैंड में ही मैरीगोल्ड है, और बहुत ही अच्छे से सारी कटिंग चल रही है। अब इन सबको ना ट्रांसप्लांट करने का टाइम है। जब इतनी बड़ी कटिंग, जैसी अभी आपने मेरे हाथ में देखी, तो इतनी बड़ी कटिंग को आप ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो ये देखिए, तुलसी जी का हमारा गमला है, और इसमें खुद से ही ये गेंदा उगाया है। ये लाल वाली जो गेंदी होती है वो है, तो मैंने इसमें से कटिंग ली थी। अब इसमें से फिर दोबारा एक कटिंग ले लेती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये कटिंग मैं ले ली, एक और ले लेती हूँ। तो फिर इस कटिंग को हम सैंड में लगा देंगे। अगर एक दो बारिश भी हो जाती है तो ये कटिंग बहुत अच्छे से चल जाएंगी, नहीं भी चलेंगी तो भी हो जाएंगी। अभी आप अगस्त में भी और सेप्टेम्बर में भी कटिंग लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई प्लांट लेकर आते हैं बाहर से लगाने के लिए, उसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं, अगर वो हेल्दी है और बड़ा है। देखिए कितनी, मैंने इसके पत्ते भी नहीं हटाए। आप चाहें तो नीचे के पत्ते हैं ना, कट कर दें, ऊपर ऊपर के रहने दें। ये दो पुरानी बोरियां हैं, और इनमें नीचे ना कंपोस्ट छिलके वगैरह भरे हुए हैं, पत्तियों का खाद है। कोई मिट्टी इसमें चेंज नहीं करी, थोड़ा सा मैंने इसमें पत्तियों का खाद मिलाया है, और थोड़ा सा मैं इसमें गोबर खाद मिलाऊँगी। तो ये गोबर खाद मिलाने के बाद बस इसमें पौधे में लगा दूँगी। तो बाकी का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, और अब इसमें मैं प्लांट लगा के, आप ये देखो, ये आज का अपडेट है। तो मैंने जितने भी सारे इसमें गेंदे लगाए, वो बहुत अच्छे से बोरियों में चल रहे हैं अभी। और मैंने इसकी दो बार करीब पिंचिंग कर दी है, आप देखो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अभी आप अभी और 2-3 बार पिंचिंग कर देंगे तो प्लांट गढ़ा हो जाएगा। देखिए कितनी नई नई इधर उधर से चारों तरफ से शाखाएँ निकल आई हैं, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। छुई मुई का पौधा, छुई मुई मुझे बहुत पसंद है। देखिए टच करते ही इस पर भी फ्लावरिंग होने वाली है, और ये देखिए। तो बस पिंचिंग के लिए ना, ऊपर का जो टॉप एरिया है वो आपको टाइम टू टाइम तोड़ना है उसको। मतलब आपको इस तरीके से तोड़ना है कि प्लांट को खींचना नहीं है, बहुत सॉफ्टली आपको अपने नाखून से उसको तोड़ना है। आप अपने टिप से, कि टिप से इस टिप को
तोड़ दीजिए। उससे क्या होगा कि यहाँ से ग्रोथ रुक जाएगी और नीचे से कई शाखाएं निकलेंगी, प्लांट घना हो जाएगा। जल्दी ही आप देखेंगे कि इसमें फ्लावरिंग होगी और मैं फ्लावरिंग की अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने जो बची हुई कटिंग थी वो अपने यहाँ ग्राउंड में लगा दी, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, उनको भी मैंने खुद बोरे में लगाया था। और ये इसकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी है। मैं जो भी सॉफ्ट कटिंग लगाती हूँ इसमें, पर्पल हार्ट प्लांट की, डेविल बैकबोन या जो भी कोलियस वगैरह, वो सब बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो मैंने इसमें लगा दिया क्योंकि विंटर में मुझे अच्छे लगेंगे। यहाँ सामने थोड़े छोटे फूल इस पर सबसे पहले इन पर आ जाएंगे, तो इनकी भी पिंचिंग करनी है। तो पिंचिंग करने से प्लांट घना होता है, और आप पिंचिंग के साथ साथ इनको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में अभी गोबर खाद दे दिया, थोड़ी और ग्रोथ होगी, बारिशें रुकेंगी तो फिर इसमें हम आप प्याज का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और आप खली का भी दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं जो आप ये आप देना चाहें। तो अभी देखिए ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, कटिंग के बाद ये और अच्छे से ग्रो हो गया। तो अभी मैं इसमें से और भी एक दो कटिंग लेने वाली हूँ और लगाने वाली हूँ। तो मैंने उसके बाद दोबारा जो कटिंग लगाई थी, ये सादा मिट्टी में कटिंग लगी हुई है, और ये कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। पहले भी आपने देखा वो कटिंग भी ग्रो हो गई। फ्रेंड्स आप भी कटिंग लगाइए। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।